नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कड़े मानिकपुर शीतला माता धाम मंदिर के यात्रा करते हुए और आपको सारे दृश्य दिखाते हुए आपको ले चलता हूँ कड़े मानिकपुर शीतला माता धाम। शक्तिपीठ शीतला माता मंदिर कौसाबी की संपूर्ण यात्रा। तो फ्रेंड्स लोग मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में और पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आज आपको शीतला माता मंदिर धाम ले चलता हूँ। तो फ्रेंड्स लोग, ये मंदिर शीतला माता धाम जो है, मैं इसके बारे में कुछ आपको जानकारी भी बताता हूँ और इस जानकारी में चलते चलते आपको पूरा विवरण और किस वजह से ये माता का मंदिर का शक्तिपीठ के द्वारा यात्रा के दौरान मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो फ्रेंड्स लोग जुड़े रहिए इस वीडियो में और चलते हैं, आपको ले चलते हैं शीतला माता मंदिर के। और देखिएगा, हम यात्रा कर रहे हैं और माता की कृपा से, और आपको भी ले चलते हैं सारे दृश्य दिखाते हुए। तो ठीक है फ्रेंड्स, जुड़े रहिए। ये जो कड़े मानिकपुर है, ये शीतला माता का धाम जो मंदिर है, ये मानिकपुर में है और हमारे यहाँ से 60 किलोमीटर का सफ़र है और 60 किलोमीटर दूर पर स्थित है मानिकपुर। और वहाँ पर कड़े मानिकपुर जो है, कड़े के नाम से प्रसिद्ध है। और यह कौसाम्बी, ये कौसाम्बी के अंदर स्थित है, यानी गंगा इस पार से उस पार। तो ये माँ शीतला माता मंदिर कौसाम्बी में स्थित है। माँ दुर्गा के शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। यह पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह माँ सती का हाथ यहाँ पर गिरा था। यह देव स्थल कौसाम्बी जिले में माँ गंगा के तट पर बसा हुआ है। इसे कड़े मानिकपुर भी कहा जाता है और शीतला माता का मंदिर और शीतला माता धाम इसी कड़े मानिकपुर के अंदर ही कौसाम्बी में स्थित है। तो फ्रेंड्स लोग, पूरी यात्रा करते हुए हमारे साथ जुड़े रहिए और मैं आपको सभी दृश्य दिखाऊंगा। रास्ते पे चलते हुए इस टाइम तो हम गाड़ी में बैठे हुए हैं और आपको पूरी यात्रा करवा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और हर एक दृश्य आपको दिखाने का प्रयास करूँगा मैं, जहाँ तक हो सकेगा। तो फ्रेंड्स लोग, जुड़े रहिए। माँ शीतला माता मंदिर कौसाम्बी में स्थित है। तो फ्रेंड्स लोग, चलिए और हमारे साथ बने रहिए और आपको सारी विवरण जानकारी दिखाई जा रही है। देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। माँ की कृपा सभी के भक्तों के ऊपर बनी रहे और आप सभी का विश्वास माँ के चरणों में बना रहे सदैव। और आपकी इच्छा के अनुसार अपने आप भी आइएगा और यह शक्तिपीठ के दर्शन कीजिएगा, ताकि फ्रेंड्स लोग सभी का भला हो और जो भी वीडियो देखे माँ की कृपा उस पर सदैव बनी रहे। ठीक है फ्रेंड्स, और माँ की कृपा के कारण सभी लोग की यात्रा यहाँ पे संपूर्ण हो और माँ के दर्शन करें। तो फ्रेंड्स लोग, ये शक्तिपीठ शीतला माता मंदिर कौसाम्बी यात्रा शुरू हो चुकी है और हम चल रहे हैं इस यात्रा के साथ साथ और आपको सभी दृश्य दिखाते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने लाइन क्रॉस कर दिया है मानिकपुर का और अब करीब करीब पहुंच चुके हैं। बस ज़्यादा नहीं है, थोड़ी ही दूर का है विवरण। तो फ्रेंड्स लोग, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखिएगा, पूरा आनंद से देखिएगा वीडियो को, आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी और हम एक एक दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे आपको पूरा पूरा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए। कड़े मानिकपुर धाम जाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता न्यू बन चुका है, जो कि पुल के द्वारा मानिकपुर की यात्रा से होते हुए कड़े धाम पर पहुंचा जा सकता है। ये पुल है जो कि अभी हाल में ही तैयार हुआ है, कुछ सालों में बनके रेडी हुआ है। नहीं तो पहले यात्रा नाव के द्वारा की जाती थी
और अब इस पुल के द्वारा ये रास्ता बनने से बहुत आसानी होने पर लोग अब यहाँ से यात्रा बड़े आराम से कर सकते हैं। और यही एक रास्ता है जो कि सीधा ही कड़े मानिकपुर शीतला माता धाम मंदिर की ओर जाता है। तो आपको सारा दृश्य दिखाएं। शीतला माता मंदिर धाम की सड़क के ऊपर चल रहे हैं और बस करीब में ही पहुंचने वाले हैं। तो देखते रहिए आप पूरे दृश्य और आपको दिखा रहे हैं। इस टाइम देखिए धान की फसल भी बढ़िया हुई हुई है और फसलों के साथ साथ लोग तीर्थयात्री भी अपनी यात्रा को सम्पूर्ण कर रहे हैं। सभी लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। बस अब हम गंगा के तट के किनारे पहुँचने के ही कगार पे हैं। बस देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए इस पूरी वीडियो में और एंजॉय करते रहिए। आपको पूरी जानकारी दिखा रहे हैं सर। अब हम गंगा के किनारे पहुंचने वाले हैं और आपको ये दृश्य दिखा रही है सड़क के द्वारा सीधे गंगा के तट पर जो बसा हुआ कौसाम्बी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। देखते रहिए फ्रेंड्स, अब हम गंगा के किनारे का दृश्य ले चलते हैं आपको दिखाने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए इस वीडियो में। ये देखिए हम आ चुके हैं माँ गंगा के पावन धाम पर और यहाँ पे नहाएंगे, धोएंगे और माता के नहा धो करके फिर माँ के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुँचेंगे। तो अब हम आ चुके हैं, देखिएगा पूरा पूरा दृश्य माँ के चरणों की ओर और तो माँ गंगा की। और देखिएगा, देखिए दूर दूर तक पूरा ही माँ गंगा ही गंगा दिख रही है। लोग नहा रहे हैं, धो रहे हैं, सभी कुछ कर रहे हैं और हम भी यहाँ पर नहाएंगे और आपको पूरा वीडियो दिखाने का प्रयास करेंगे। तो देखते रहिए फ्रेंड्स लोग, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और मौके पे देखिएगा पूरा बैकग्राउंड सारा कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा। और देखते रहिए फ्रेंड्स, ये माँ गंगा कितनी फुल उफान के साथ बह रही है और हम भी एक किनारा लेकर बैठे हुए हैं। और देखिए पक्षी, हमारे सभी लोग घर के फैमिली मेम्बर्स वो भी नहा रहे हैं। ये देखिए कोई बाल जल रहा है, कोई कंगी कर रहा है, कोई वहाँ नहा रहे हैं। सभी लोग देखिए हमारे परिवार के सदस्य लोग नहाने में लगे हुए हैं। Thank you.
चलो माता के दर्शन करने हैं। अब हम सभी यहाँ पे नहा कर रेडी हो चुके हैं और बस अब ये कुछ पूजाएँ वगैरह थी कर ली हमने, और यहाँ से पूजा करने के बाद अब हम शीतला माता मंदिर की ओर चलते हैं, और थोड़ी कुछ दूरी पर पैदल चल करके ही माता के मंदिर की ओर प्रस्थान करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको मंदिर की ओर ले चलता हूँ। तो फ्रेंड्स लोग, हम आ चुके हैं मंदिर की करीब करीब पास में ही, और ये देखिएगा सारी दुकानें लगी हुई हैं, और ये रास्ता होते हुए जा रहे हैं, और ये सामने जो मंदिर दिख रहा है यही शीतला माता मंदिर का मंदिर है, जो कि कड़े मानिकपुर धाम में बसा हुआ कौसाम्बी में स्थित है मंदिर। और ये लीजिए, माता के दर्शन कीजिए। सभी भक्तों बोलो जय से जय माता शीतला मैया की जय। ये देखिए माता के मंदिर के दर्शन कर लीजिए भक्तों, और सभी दोस्तों लोगों ये देखिए माँ के चरणों में। और इसी बैक रास्ते से पीछे से हम निकलते हुए वापिस अपने मंदिर से बाहर निकल चुके हैं, और आपको सारा दिखा रहे हैं दृश्य मंदिर के। और अब हमने थोड़ी सी यहाँ पे खरीदारी करने जा रहे हैं, और खरीदारी करने के बाद आपको पूरा पूरा देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। ये देखिए सभी सामान और साजो साज यहाँ पर मौजूद है। ठीक है फ्रेंड्स, मंदिर की ओर से निकल चुके हैं, अपने घर की ओर रवाना हो चुके हैं, और बस अब हम अपने घर को जा रहे हैं। तो हमने मंदिर की यात्रा कड़े मानिकपुर धाम पूरी की, और आपको भी माता के दर्शन करवाए। अब हम अपने गांव की ओर पहुंचने वाले ही हैं, और हम अब बस अपने घर की ओर, ये हमारी सड़क है जो मेरे गांव की ओर बसी हुई है, मैं अपने घर को जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, जो जो ये वीडियो देखी है, माँ की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे, और जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप तक लाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।